ये जगह है ऋषिकेश से आगे निकलने पे उखीन मठ के पहले, बहुत पहले, अभी उखीन मठ पहुँचे नहीं है। ये देखिए कितना सुहावना ये पुल है और ये गंगा नदी, ब्लू पानी रास्ते में है, केदारनाथ के रास्ते में ये सारी जगह है। अच्छा है, ये अच्छी जगह है। बाल दिखाओ मुझे, ले बाल ले। जी हमारे मित्रगण, फोटोग्राफी अब इधर फ्री में सुंदर सा जगह है। गंगा नदी है, गौमुख से चल करके आ रही है, काफ़ी साफ पानी है, बहुत ही अच्छा। ये कुछ गांव है या रिजॉर्ट है। काफ़ी अच्छा है, छोटा सा पुल बनाया गया है। और ये देखें, ये यहाँ से ये एक नया पुल बन रहा है, ये पुल। बहुत लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर बंद है, ठीक है, भगवान के दर्शन हम मन में भी कर सकते हैं, मंदिर के द्वार पे भी पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। अगर बर्फ़बारी होगी, अगर रास्ता ज़्यादा ख़राब होगा, तो हम जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन ये जो देखिए, ये जो जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा घूमने फिरने का जो मेन मकसद है, प्लान है, तो हम उसको देख रहे हैं और हम उसके लिए आए हैं। मंदिर के दर्शन होंगे, हमारा सौभाग्य होगा, और अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि दर्शन नहीं हो पाता है, तो भी हम इस जो एक अपनी व्यस्त लाइफ से निकल करके थोड़ा घूमने फिरने, ठंड बहुत है तो घूमने के मकसद से आए हैं। तो ये गंगा नदी देखिए कितना साफ़ और निर्मल पानी है, काफ़ी अच्छा एक जगह है। तो ये चीज़ें, ये नहीं है कि हर काम बैठ कर के हो सकता है, घर से निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और हमारा जो प्लान्स है, हमारा जो काम है, क्योंकि देखिए न्यू ईयर की पार्टियां हर कोई मनाता है, तो न्यू ईयर हमारा थोड़ा अलग होता है। हम कोई ना तो ऐसे जगह पे जाते हैं, ना हम नई कल्चर जो आजकल हो गया हिप हॉप पॉप और ये जो भी है गलत चीज़ें, नशे वगैरह, इन सब चीज़ों से दूर। मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी मौका मिले भगवान के द्वार पे चलो, चाहे वो वृंदावन हो, मथुरा हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हमारा ये एक लाइफ है जिसमें हम घूमने में ही अपना विश्वास रखते हैं, और घूमना भगवान के जगहों पे, क्योंकि वो अलग मामला है। भगवान की जगह पे आप जाएंगे तो अच्छा, सबका अपना अपना विचार है, सबके अपने अपने नेचर हैं। तो हमारा अपना नेचर है और हम अपने नेचर के अनुसार अपना घूमते हैं, काम करते हैं। तो ये एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं हम आए हुए हैं यहाँ पे, और आप लोगों को थोड़ा हम दिखा रहे हैं चीज़ें, क्योंकि आप अगर नहीं आए हैं तो आप इस चीज़ को देखें मेरे माध्यम से, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। और लगातार अभी बहुत कुछ हम दिखाएंगे, बहुत आगे तक जाना है, आगे केदारनाथ तक पहुँचेंगे। 2-3 दिन का सफ़र है, और 2-3 दिन के इस सफ़र में आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपको ऐसे ऐसे सीन, ऐसे ऐसे जगह जो लगेगा कि हम एक धरती का स्वर्ग जो भारत में है, हम वहाँ पे हैं। और फालतू चीज़ों से दूर रहता हूँ हमेशा, ये अच्छे जगह अच्छा लगता है। और भगवान के द्वार पे आप लोग भी जाइए, देखिए, घूमिए फिरिए, तो अच्छा लगेगा, अच्छी जगह है। उत्तराखंड तो देवभूमि है, और देवभूमि के अंदर हमेशा एक अलग फीलिंग्स आती है, और इस फीलिंग्स में आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि आप जब भगवान में मन लगाएंगे तो आपके विचार भी वैसे ही बनेंगे, और विचार ज़्यादा ज़रूरी है।
इसलिए जब भी पिछले साल भी न्यू ईयर की पार्टी थी तो हम लोग इधर गए थे बद्रीनाथ की तरफ दर्शन करने। तो ये हमारा एक हमेशा से शुरू से एक ऐसा लगता है कि पूरे परिवार का हमारा यही है कि जब भी कुछ हो तो कहीं उत्तराखंड दिल्ली से काफ़ी पास है और मुश्किल से 200 किलोमीटर के बाद ऋषिकेश के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसा जगह है जहाँ बार बार आएंगे और आपको बार बार आने की इच्छा होगी। तो आप भी आइए, मैं अपडेट करता रहूँगा, लगातार आपको बताता रहूँगा, अभी और वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ें दिखाऊँगा। जय हिंद।